आज का विषय खासतौर पे उन अभिभावकों के लिए उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी अडोलसेंस किशोरावस्था से टीने से गुजर रहे हैं आपको शायद है जान के बड़ा आश्चर्य होगा लेकिन मुझे इस बात को साझा करने में कोई हैरानी नहीं कोई संकोच नहीं है जो आज हाँ शाम को जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स के साथ साझा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मात्र नौवीं क्लास में पढ़ने वाली एक बालिका एक लड़की उसके साथ कुछ ऐसा वो दोस्तों के उनके कुछ नग्न चित्र उनके माता पिता ने जब देखे सोशल मीडिया पे तो हैरान रह गए दंग रह गए कितनी अच्छी परवरिश करने के बावजूद इतना कुछ बच्चे पे ध्यान रखने के बावजूद उनका बच्चा इस राह में चला गया तो बात यहाँ से शुरू होती है एक लड़की जो कि नौवीं क्लास में पढ़ती है उसके घर पे उनके कोई परिचित आए हुए थे कोई अंकल थे उन्होंने कहा बेटा आपका इंस्टाग्राम आईडी है उन्होंने बोला जी हाँ है बोला एक मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दीजिए तो जब इंस्टाग्राम आईडी उन्होंने बनाया तो उन्होंने रैंडमली कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो लड़की ने बोला कि प्राइवेट अकाउंट है जिस पर आप भेज रहे हैं आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए ये जब आपकी रिक्वेस्ट को फॉलो कर लेगा तभी तो आप इनको देख पाएंगे नॉर्मली कुछ घंटे बीते फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई उस व्यक्ति से उसके परिचित की उस अंकल की जो है कुछ वार्तालाप हुई कुछ देर के बाद उस लड़के ने कुछ चित्र भेजे न्यूड पिक्स भेजे अश्लील फोटोज़ भेजे जिसको देखने के बाद वो हैरान रह गया उसको यकीन नहीं हुआ कि ये तो मेरे दोस्त की बेटी है जिसके फोटोज अभी मेरे को यहाँ पे मिले हैं तुरंत वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है मतलब उस लड़की के पिता को फ़ोन लगाता है जिसके नग्न तस्वीरें उन्होंने जस्ट अभी देखी थी बड़ी संवेदनशीलता के साथ उनसे वो जिक्र करता है उसके पापा को भी बुलाता है उसके बाद उस लड़की से वो सब लोग फैमिली वाले मिल बैठते हैं लेकिन हैरान हो जाते हैं पता चलता है कि लड़की की दोस्ती आ, किसी से हुई तो वो स्टार्टिंग में उससे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था तो उसके बाद लड़की को इस भरोसे में ले लिया कि आप जो मुझसे कहोगे आपकी सारी बातें हम बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और आप हमारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखना और आप विश्वास के पात्र पर लड़की ने उसको अपने नग्न चित्र तक भेज डाला जिसके बदले में बताया जा रहा है कि कुछ पैसे भी बच्चों को दिए जा रहे हैं और ये इस बच्चे की कहानी नहीं है ये हर एक टीनेजर को हर एक पेरेंट को जागरूक होना अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका बच्चा कब इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठा है वो क्या कर रहा है इस बारे में एक पेरेंट को जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपने आप झड़ नहीं रहे तो शायद आपका बच्चा भी गलत पे जा सकता है लड़की से भरोसे में लेके उसके नग्न फोटो वीडियोज़ मंगवाता रहा उसके बाद कुछ पेड साइट्स होती हैं जहाँ पे इस टाइप के फ़ोटोज़ देखने का एक्सेस होता है वीडियोज़ देखने का एक्सेस होता है और बहुत मोटी रकम देखे लोग ऐसा करते हैं लेकिन दूसरी ओर इन छोटे छोटे बच्चों को उस दलदल में घसीट दिया जाता है जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी तो आप भी अलर्ट रहें और छोटी बच्चों से लड़कियों से मेरा एक बतौर पेरेंट बतौर एक एजुकेटर एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आपके साथ जब भी कोई ऐसा ट्रैप हो तो प्लीज़ निसंकोच आप अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स को बताएं अपनी फ़ैमिली को बताएं और किसी के बहकावे में आके किसी की बातों में आके ऐसा ना सोचें कि आपने जो किया है वो सीक्रेट रहेगा कभी ना कभी आपकी मैसेजेस का आपके फ़ोटोज़ का वीडियोज़ का मिसयूज़ किया जाएगा एंड दर इज़ फॉर श्योर तो किसी भी कीमत पे किसी भी हालात में कभी भी किसी के साथ अपने इस तरह के फ़ोटो साझा ना करें समझ लेते पेरेंट्स को ज़रूर अलर्ट करें मैं चाहूँगा इस वीडियो को यूथ के साथ एंगस्टर्स के साथ शेयर करें पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि किसी बच्चे के साथ ऐसी चीज़ भविष्य में ना हो सके धन्यवाद आपका अपने इस पेज रॉल सोजर के साथ जुड़ने के लिए जो एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ की बात होती है अच्छी पेरेंटिंग की बात होती है और आप उसमें वीडियोस को शेयर करके आगे तक जनता को जागरूक करते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद तब तो तक ख्याल रखिएगा अपने मिलते हैं जल्द और किसी और सामाजिक मुद्दे के साथ गुड बाय फॉर नाउ जय हिंद